नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस हफ्ते आपका पीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, साथ ही साथ टीजीटी के बारे में बताया था। दोनों रिजल्ट आपके आ गए हैं, टीजीटी का आपने देख लिया होगा। अब बात कर रहे हैं पीईटी यानी कि प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसका रिजल्ट जारी हो गया है, कट ऑफ भी उसके जारी हो गए हैं। अब एक बार देख लेते हैं, इसमें तीन चार चीजें आपको पता लगेंगी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब अभी कर लीजिए क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस वीडियो में रिजल्ट के बारे में तो आपको डिटेल बता ही रहा हूं, साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट रोका गया है, इसके अलावा वो कैंडिडेट हैं जिनकी अभ्यर्थना निरस्त की गई है, इसके अलावा वो कैंडिडेट हैं जिनके स्कोर कार्ड अभी जारी नहीं किए गए हैं। तो इनके अलग अलग रीजन हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा इसके लिए मेरे साथ स्क्रीन की तरफ। तो ये रिजल्ट का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं डेट ऊपर डली हुई है 28 अक्टूबर 2021 और ये जारी हो गया है। यहां नोटिफिकेशन में आप साफ साफ तौर पर देख लें, आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2021 की लिखित परीक्षा जो कि आपकी 24 अगस्त को हुई थी, दो पालियों में हुई थी, इनका रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां देख दी आप ये क्लियर कर सकते हैं कि जो रिजल्ट जारी हुआ है वो आपका रिजल्ट जारी होने की तिथि से एक साल तक वैलिड रहेगा। 28 अक्टूबर का रिजल्ट है आज जारी हुआ है तो 28 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2022 तक वैलिड रहेगा। और इस बीच अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं 30,000 जो भर्तियां आ रही है उनमें अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं फिर आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा, मेंस एग्जाम को आपको देना होगा। ठीक है, अगर नहीं होते सेलेक्ट आप तो फिर आपको ये फिर से एक बार एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहां देखिए आप कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपनी ओएमआर शीट में प्रश्न पुस्तिका की सीरीज अंकित नहीं की गई, तो पहली कैटेगरी उनकी है जिन्होंने ओएमआर शीट में अपनी जो प्रश्न पुस्तिका थी, अपनी क्वेश्चन जो बुकलेट थी उसकी सीरीज अंकित नहीं की है, तो उनका जो अभ्यर्थना है वो निरस्त की गई है। या फिर वो जिन्होंने एक से अधिक सीरीज अंकित की है उनकी भी अभ्यर्थना निरस्त कर दी गई है और उनके स्कोर कार्ड पर निरस्त या कैंसिल्ड की सील लगाई हुई है। दूसरी कैटेगरी किन की है, जिन अभ्यर्थियों को केंद्र अधीक्षक द्वारा औपबंधिक प्रवेश दिया गया उनके परीक्षा परिणाम या स्कोर में उनकी परिस्थिति यानी कि स्टेटस के अनुसार औपबंधिक प्रोविजनल भी अंकित किया गया है। तो दो तरीके के आपको वहां स्कोर कार्ड मिलेंगे, पहला आपको कैंसिल सील वाला मिलेगा, दूसरा प्रोविजनल वाला मिलेगा। तो आप समझ जाएं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका परिणाम आयोग स्तर पर जांच के अधीन है तो इनके स्कोर कार्ड पर लिखा गया है अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन तीसरे तरीके के स्कोर कार्ड जारी होंगे आपके, तो ये भी आप देख लेना। जब आपकी जांच पूरी हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, तब आपके संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि आपको प्री में पास होने के बाद मेन में बिठाया जाए या फिर आपको एक बार दोबारा से प्री दिलवाया जाए। इसके अलावा चौथी कैटेगरी, वे अभ्यर्थी जो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए उनके जो अंकित कार्ड है, उनके जो स्कोर कार्ड है उन पर लिखा गया है अनफेयर मीन्स यानी कि अनुचित साधन, तो उन पर सील लगा दी गई है। भाई ऐसे अभ्यर्थी किसी भी काम के नहीं है, उन पर कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। अब इसमें लास्ट जो पैरा है उसको आप पढ़िए, तदनुक्रम में उत्त परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा लिखित परीक्षा का परिणाम या स्कोर आयोग की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है UPSSC.gov.in पर अपलोड है। लिंक मैंने भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, साइट पर लोड है नहीं, बड़े आराम से देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आप क्लिक करेंगे ऑफिशियल लिंक पर, डायरेक्ट जाकर के आप वहां पर अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर दिए रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर वांछित विवरण दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो अब ये मैं आपको बता देता हूं कि स्कोर कार्ड किस प्रकार से आपको देखना है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जैसे ही लिखेंगे UPSSSC.gov.in तो ये इसका इंटरफेस इस प्रकार से खुल जाएगा और ये फ्रंट पर ही आपको 28/10/2021 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा खुल जाएगा जो मैंने आपको पढ़ करके बता ही दिया है। अब फिर भी कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था रिजल्ट, आपने देखा होगा पीईटी का प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट था जो आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा थी जो आपकी। अब इसमें जो भाई बहन पास होंगे वो बैठेंगे 30,000 आने वाली अग्रिम वैकेंसीज में, जिनके नोटिफिकेशन या फिर जिनकी जो वैकेंसी है, जिनकी अधिसूचना है, नवंबर लास्ट तक जारी हो सकती है और दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है उत्तर प्रदेश में चुनावों की, तो उसकी अधिसूचना लगने से पहले वैकेंसी तो आ जाएगी लेकिन आपका एग्जाम मेंस है वो कंडक्ट होना काफी मुश्किल हो सकता है।
फिर भी आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कीजिए। ये ग्रुप सी की आपकी भर्तियां हैं, समूह ग की भर्तियां हैं जिनके लिए हुआ है। अब जो इसमें क्लियर करेंगे प्री में वो मेंस में बैठेंगे, जो इसमें आउट हो जाएंगे उनको फिर से प्री करना पड़ेगा। एक साल के लिए इसकी वैलिडिटी रखी गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।